के साथ रुक करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लाइव संबोधन का। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए सभी विद्वानगण, सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और जिन विद्यार्थियों के निमित्त आज ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर दीक्षांत समारोह हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं एवं इस कार्यक्रम में पधारे अभिभावकगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं दीक्षांत समारोह की। जिन सबको आज यहां पर दीक्षांत में पारितोषिक के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को अविस्मरणीय बनाने के लिए और आप सबके जीवन में एक पाथे का काम उनका अभी यहां से उद्बोधन करेगा श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी यहां पधारे हैं। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को चूंकि उनके सानिध्य में रहकर हम लोगों ने उनसे अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रकार का मार्गदर्शन, बहुत प्रकार का पाथे, बहुत प्रकार की शिक्षा उनसे प्राप्त की। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको हम अजात शत्रु कह सकते हैं, जो अजात शत्रु के रूप से जाने जाते हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि देश के समस्त राजनीतिक दलों में उनकी जो स्वीकारता है, जो उनको माना जाता है, उनकी स्वीकारता के नाते उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाया जाता है। आज हम सबके बीच में है, मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब लोग उनका स्वागत करें। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को, विशेष रूप से यहां उपस्थित हमारे युवा विद्यार्थियों को एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नव चेतना प्रदान करेगा। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं वो भूतो न भविष्यति। आप देख रहे होंगे हम सब लोग सैनिक परिवेश में रहने वाले प्रदेश के लोग हैं, पहले के समय में किस प्रकार की स्थितियां होती थी। आज अगर कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाता है तो हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है, चाहे वो गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे पुलवामा हो, हर क्षेत्र में आज दुश्मन को उसके घर में जाकर मारने का काम हमारी सेना आपके नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। अंत्योदय को समर्पित आपका संपूर्ण राजनीतिक जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। भारतीय सेना के क्रांतिपूर्ण जवानों को सशक्त बनाने में आपकी प्रतिबद्धता, आपका संकल्प अनुकरणीय है। भाइयों बहनों, मैं कुछ दिनों पूर्व ही आप सबके बीच में इस विश्वविद्यालय में उपस्थित हुआ था, तब मैंने एक बात अनुभव की कि जब भी मैं इस विद्या के मंदिर में आता हूं हमेशा एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई शक्ति यहां से प्राप्त होती है। शायद यह सब परम श्रद्धेय स्वामी राम जी की सूक्ष्म ऊर्जा का प्रताप होगा, जिसके बारे में हमारे विजय भाई ने यहां से बहुत विस्तार से जिसकी व्याख्या की है। परम श्रद्धेय स्वामी राम जी की दिव्य प्रेरणा से अलंकृत यह ज्ञान का मंदिर उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने में अग्रणी है। इसके साथ साथ जहां शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अलावा हमारे पड़ोसी देश हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, यहाँ एक शिक्षित व स्वस्थ समाज के निर्माण को के अपने उद्देश्य को सार्थक करने हेतु
स्वामी रामदेव जी ने, स्वामी राम जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित किया था। किस प्रकार से उन्होंने तमाम कठिनाइयों को, तमाम संघर्षों को गले लगाते हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी एक बड़ी कहानी है। उन्होंने 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर भारत के प्राचीन ज्ञान को संपूर्ण विश्व के अंदर रखने का महान कार्य किया। स्वामी राम जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट संस्था की स्थापना के लिए वो भारत आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 30 सालों में स्वामी राम विश्वविद्यालय अपने संस्थापक स्वामी राम जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि आज जैसा अपने विजय जी ने बताया कि 30 जो मेडिकल कॉलेज है उनके भी प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु है और भारत के एक आदर्श संस्थान के रूप में जाना जाता है। यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा जन कल्याण और मानव सेवा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर हमारे जहां पर आज जगह जगह पर स्वास्थ्य की सेवाएं न होने के कारण से, तमाम प्रकार की और सुविधाएं न होने के कारण से जहां से लोग पलायन कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी अपनी सेवाओं को देने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, विगत 8 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। कोविड महामारी के पश्चात विश्व ने भारत के राजनीतिक नेतृत्व की दूरदर्शिता, यहाँ के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को क्षमता को पहचाना है। जब समूचा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त था, चारों ओर महामारी के कारण भय का माहौल बना हुआ था, तब भारत ने दुनिया का मार्गदर्शन किया और एक नहीं दो दो स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराकर सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव को चरितार्थ किया। और इतना ही नहीं, जहां भारत के लोगों को वैक्सीन लगाई गई वहीं दुनिया के अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे भारत की सरकार ने किया। यह इस बात को दर्शाता है कि नया भारत नए प्रयासों द्वारा नए अवसरों को सृजित करने की क्षमता रखता है। इस नए भारत की नींव है देश को महामारी से बचाने के लिए हमारे चिकित्सक वैज्ञानिकों ने जो अथक परिश्रम किया है उसकी जितना प्रशंसा की जाए वो कम है। पर मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि अभी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना महामारी ने फिर से दस्तक दी है, जिसके लिए हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, सभी को सचेत कर रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं और सतर्कता से सभी सावधानियां बरतते हुए आगे की तैयारियां भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से आप लोग इस वायरस से भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, है ना तैयार? भाइयों बहनों, एक समय था जब उत्तराखंड के लोगों को उपचार के लिए बहुत कठिनता का सामना करना पड़ता था और तमाम अन्य शहरों में दिल्ली जाना पड़ता था, दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, परंतु आज उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। हमारी केंद्र की सरकार के सहयोग से इन सुविधाओं को उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक ले जाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। यहीं बगल में हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में जो एम्स स्थापित हुआ और भविष्य में जिसके बारे में डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में भी जो दूसरा सेंटर एम्स का बनने वाला है वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमको अच्छी सुविधाएं मिल रही और मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस बात को धरातल पर उतारने एवं चरितार्थ करने हेतु हम सभी को विकल्प रही संकल्प के मंत्र को अपनाकर मजबूती और तत्परता से अपने कर्तव्यों को निभाने की आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को जो विभिन्न उपाधियां प्राप्त हो रही हैं, मुझे विश्वास है कि आप सभी
जितने भी आज के उपाधि धारक हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों को अपनी सेवाएं अपना नेतृत्व प्रदान करने का काम करेंगे। साथ ही जिस विद्या के मंदिर से हम सब लोग शिक्षा लेकर जा रहे हैं, स्वामी राम जी के बताए मार्ग पर चलकर हमेशा राज्य के देश के नागरिकों की सेवा करेंगे, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे, देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं उपाधि से सम्मानित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप लोग देश और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका भविष्य है और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो हमारा ये अमृत काल है, उस अमृत काल में जो आज उपाधि धारक निकले हैं उनकी विशेष भूमिका होने वाली है, नए भारत के निर्माण में उनका विशेष योगदान होने वाला है। मैं एक बार पुनः मेरे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक व देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड में आने पर और आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।